विधानसभा चुनाव में इस बार आपराधिक पृष्ठभूमि वाले नेताओं को अपना पूरा ब्यूरो साझा करना होगा। चुनाव आयोग ने इसके लिए गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत सभी प्रत्याशी चुनाव आयोग को एक फॉर्म भरकर देंगे, जिसमें उनसे संबंधित आपराधिक रिकॉर्ड का पूरा विवरण होगा। राजनीतिक दलों द्वारा भी अपनी वेबसाइट पर प्रत्याशियों के आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी साझा करनी है। उत्तराखंड की मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने बताया कि उम्मीदवारों द्वारा आपराधिक पृष्ठभूमि की जानकारी देने के लिए चुनाव आयोग द्वारा गाइडलाइंस जारी की गई हैं, जिसके तहत प्रत्येक प्रत्याशी को अपने आपराधिक मामलों की जानकारी साझा करनी होगी। इसके साथ ही राजनीतिक दलों को प्रत्याशियों की क्या क्वालिफिकेशन है और क्या अचीवमेंट है की जानकारी भी उपलब्ध करवानी है। उम्मीदवारों को कैंपेन पीरियड के दौरान स्थानीय समाचार पत्रों एवं राष्ट्रीय समाचार पत्रों में 3 बार अपनी आपराधिक पृष्ठभूमि से जुड़े विवरण का व्यापक प्रचार प्रसार करना होगा। आरओ द्वारा इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी, टीईओ द्वारा इसकी रिपोर्ट संकलित की जाएगी, सीईओ के माध्यम से चुनाव आयोग को इसकी रिपोर्ट भेजी जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में क्रिमिनल एंटीसीडेंस की प्रक्रिया का भी सभी को अनुसरण करना होगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने सभी उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों से इसका अनुपालन सुनिश्चित करने का अनुरोध भी किया। इलेक्शन कमीशन द्वारा पब्लिकेशन ऑफ क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स बाय कैंडिडेट्स के लिए गाइडलाइंस निकाले गए हैं। तो हर कैंडिडेट जो है, कंटेस्टिंग कैंडिडेट जो है, वो इलेक्शन कमीशन के लिए एक पूरा फॉर्म भर के देंगे, जिसमें उनका पूरा क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स के बारे में वो पूरा विवरण देंगे। और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है जो इस कैंडिडेट को स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो ये पॉलिटिकल पार्टी द्वारा भी इसका पूरा इन्फॉर्मेशन अपना वेबसाइट में इस कैंडिडेट के बारे में दिया जाएगा। और अपना वेबसाइट में होम पेज में मुख्य जगह पे जो क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स के साथ रहा हुआ कैंडिडेट, इस हेडिंग के अंदर ही ये पूरा डिटेल्स उनके द्वारा दिया जाएगा। और जो हमारा पॉलिटिकल पार्टीज है, उनको ये भी क्लियर करना पड़ेगा उस वेबसाइट में कि किस रीजंस के वजह से वो क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स का जो कैंडिडेट्स है उनको चयन कर रहे हैं, उनका क्या अचीवमेंट्स है, वो रीजंस पूरा पॉलिटिकल पार्टीज को इसमें देना पड़ेगा। और जो कंसर्न्ड कैंडिडेट है, वो जो हम लोकल न्यूज़पेपर, जो वर्नैक्युलर न्यूज़पेपर और जो नेशनल न्यूज़पेपर्स जो तय है, जिनका सर्कुलेशन एक थ्रेशहोल्ड के ऊपर है, तो उन पेपर्स में जो हमारा जो कैंपेन पीरियड है, उस दौरान 3 बार उनको उसके लिए ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3 करके है, तो उसमें नेशनल न्यूज़पेपर्स और लोकल वर्नैक्युलर न्यूज़पेपर्स में इसका व्यापक प्रचार प्रसार करना है। तो इसका पूरा डिटेल्स आरओ द्वारा भी लिया जाएगा, रिमाइंडर भी दिया जाएगा, डीओ द्वारा इसका रिपोर्ट्स कलेक्ट किया जाएगा और सीओ के माध्यम से इलेक्शन कमीशन को भेजेंगे। क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स देखना बहुत जरूरी है, इसमें सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर्स भी है। सुप्रीम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर्स का कंप्लायंस में हमें ये क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स का जो प्रक्रिया है सभी को फॉलो करना पड़ेगा। और सभी कैंडिडेट्स और पॉलिटिकल पार्टी से अनुरोध है कि इसका कंप्लायंस करें। धन्यवाद।